एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के कितने चाहने वाले हैं, इस बात का अंदाजा तो आपने इस बात से ही लगा लिया होगा कि उनकी मौत के बाद से ही लोग अब तक उनके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सबके चहेते सुशांत के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। आज सुशांत की पहली बर्थ एनिवर्सरी है और आज के दिन एक्टर को याद करके सभी की आंखें नम होंगी। चलिए आज हम आपको सुशांत के जन्मदिन पर उनके बचपन से लेकर अब तक के सफर की एक झलक दिखाते हैं। सुशांत को प्यार से गुलशन बुलाते थे सब। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में जन्मे सुशांत ने बचपन से ही कई सपने देखे थे। सुशांत के पिता पटना में बिहार स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन में काम करते थे। अब वे रिटायर हो चुके हैं। 5 भाई बहनों में सुशांत सबसे छोटे थे। सुशांत को सब प्यार से गुलशन बुलाते थे। सुशांत बचपन में काफी शर्मीले थे और 2002 में सुशांत की माँ की मौत हो गई। उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली से ही सुशांत ने अपनी पूरी पढ़ाई की और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षा में 2003 में उनकी 7वीं रैंक थी। सुशांत ने एक्टिंग के लिए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने श्यामक डावर डांस अकेडमी ज्वाइन की थी, जहाँ से उनके एक्टिंग करियर के रास्ते खुले। इसके बाद उन्होंने देश विदेश में शोज किए। फिल्म धूम में वो ऋतिक रोशन के साथ बैकग्राउंड डांसर भी थे। फिर सुशांत ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और सीरियल पवित्र रिश्ता में वो मानव का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हो गए। टीवी में अच्छा नाम कमाने के बाद सुशांत ने फिल्मों में अपना हाथ आजमाया और सफलता भी हासिल की। सुशांत के सपनों की लिस्ट थी बड़ी लंबी। सुशांत अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाले इंसान थे, इसीलिए तो उन्होंने अपने सपनों की लिस्ट भी बनाई थी। कहा जाता है कि वो कब्रिस्तान में अकेले एक रात बिताना चाहते थे। वो हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहते थे। इसी के साथ वो 1000 पेड़ भी लगाना चाहते थे और ऐसे ही कई सपने थे जो उन्होंने अधूरे ही छोड़ दिए। एक्टर को नहीं मिल पाया सच्चा प्यार। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुशांत अंकिता लोखंडे को बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद इनका रिश्ता टूट गया। सुशांत अंकिता के रिश्ते को हर कोई पसंद करता था, लेकिन जल्द ही इस कपल का ब्रेकअप हो गया। अपने आखिरी वक्त में सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ थे। रिया और सुशांत एक दूसरे को डेट कर रहे थे। खबरों की माने तो सुशांत रिया के साथ खुश नहीं थे। कहा जाता है कि रिया को सुशांत से नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार था। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही रिया उन्हें छोड़कर भी चली गई थी। वहीं सुशांत और सारा के अफेयर की खबरें भी सुनने को मिली। देखा जाए तो सुशांत आखिरी वक्त तक सच्चे प्यार की तलाश करते रहे। हमेशा के लिए बहनों की आंखें नम कर गए सुशांत। जब सुशांत अपने अपार्टमेंट में संदिग्ध अवस्था में मिले तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। कुछ खबरों की माने तो सुशांत डिप्रेशन में थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। वहीं कुछ का कहना है कि वो ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते। सुशांत की मौत से उनका परिवार पूरी तरह बिखर गया। 4 बहनों का इकलौता भाई उन्हें छोड़कर चला गया था। सुशांत की मौत को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस पर यकीन कर पाना आज भी मुश्किल है।